Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, change is the only constant. जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है. थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है. लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना. और यही है त्योहार की थाली. कल रात से ही हमारे ग्रुप पे बहस छिड़ी हुई है. जंग का माहौल है, जंग का. एक्चुअली हुआ यूं कि हम कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई डिनर पे चलते हैं. तो जैसे ही ये बात तय हुई कि डिनर पे जाना है, बड़ी ऑब्वियस सी बहस शुरू हो गई कि क्या खाया जाए. तो एक लड़की ने बाकी सबको कन्विंस कर लिया कि बिरयानी खाएंगे. लेकिन उसके बाद बहस शुरू हो गई कि किस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए. सब अपने अपने सजेशंस देने लगे और जिस रेस्टोरेंट को मेजॉरिटी वोट मिले थे उसके खिलाफ एक लड़की को नेट पे कुछ खराब रिव्यूज मिल गए. तो बेसिकली हुआ यूं कि आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन वो रेस्टोरेंट रिजेक्ट हो गया. एंड रिजल्ट ये था कि हम कहीं नहीं गए. द डिनर वॉज कैंसिल. अच्छा, जब बहस चलती है ना तो हर बात पे चलने लगती है. मतलब रेस्टोरेंट और खाने के अलावा हम वेजिटेरियंस की एक अलग बहस चल रही थी, विच वॉज कि बिरयानी तो चलो नॉन वेजिटेरियंस के लिए हो गई, हम लोग क्या खाएंगे. तो हमारे यहाँ जंग छिड़ी हुई थी पुलाव और कुबूली में. अब भाई मैंने तो कुबूली के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं पुलाव के लिए वोट कर रही थी. लेकिन जब सब कैंसिल हो गया ना तो मैंने सोचा कि ये कुबूली है क्या. इसलिए सुबह सुबह उठकर मैंने सबसे पहले उसकी रेसिपी खोज निकाली. मैंने कहा आज तो मैं ना बना के देखती हूँ कि पुलाव बेटर है या कुबूली. लेकिन ये जो मैं तैयारी कर रही हूँ ना, ये कुबूली के लिए नहीं है. ये मैं बना रही हूँ उसके साथ खाने के लिए एक रायता. ये मैं जाती हूँ किचन में, इसको तो फ्रिज में ही रख देती हूँ. तो कुबूली जो है वो दरअसल काबुल से आई है, अफगानिस्तान से, काबुली बनकर. लेकिन दुनिया भर में फेमस है और बहुत सारे लोग उसे ईद पे बनाते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आज कुबूली बनाती हूँ और साथ में मनाती हूँ ईद. और कुबूली के लिए मुझे चाहिए चावल, आज जो मैं ईद मना रही हूँ ना वो रमजान वाली ईद है, ईद उल फित्र, मीठी वाली. सबसे पहले चावल चढ़ा देती हूँ मैं. चावल में हल्का सा नमक डाल के इसे ढक के रख देती हूँ. अब मुझे केसर भिगोना है दूध में. इसको हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ. ओके, इसे ज्यादा गर्म नहीं करना, बस गुनगुना करना है. और मैं काट लेती हूँ कुछ प्याज और कुछ हरी मिर्च. ओके, अब मैं हरी मिर्च भी काट लेती हूँ.
मम्मी के पुराने बर्तन। एक बार उन्हें मुझ पे बहुत प्यार आया, कहा ये रख ले तू। मैंने कहा भैया रख लो, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो इसमें से मैं अभी ये यूज करने वाली हूँ। तो इसमें जाएगा घी, दालचीनी, शाहजीरा, इलायची एंड लौंग। तीन इलायची काफी हैं एंड लौंग आई थिंक 4-5 लौंग और 2 चम्मच शाहजीरा। और इसमें से 2 हरी मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें चने की दाल जाती है जिसे कम से कम 5-6 घंटे भिगोना होता है, तो वो भी मैंने भिगो के रखी है। एक्चुअली अब वो ही डालूंगी इसमें, पानी निकाल के। इसमें भी नमक और हल्का सा पानी, दाल में जितना पानी जाता है उतना नहीं, थोड़ा सा बस। ये इतनी पक जाए कि इसे दाल को ऐसे पकड़ के आप जब प्रेस करो तो वो टूटनी चाहिए, बस उतना पानी काफी है। ओके, इसे मैं ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं दही निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे चावल भी चेक कर लेने चाहिए। आई थिंक चावल भी हो गया है। अब इस चावल को ना मैं एक बड़े से थाल में निकाल के रख लेती हूँ ठंडा करने के लिए। 2 प्लेट्स में रखना पड़ेगा भाई इसे मुझे, क्योंकि ये एकदम बिखरा बिखरा होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े हो गए, दैट मीन्स इट्स डन। और मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ ये दही। कल ना जब ग्रुप पे लड़ाई हो रही थी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो मेरा एक दोस्त कुबूली के पीछे पड़ गया था कि बस कुबूली खानी है कुबूली खानी है। तो आज सुबह मैंने सोचा कि अब मैं ये कुबूली बना ही रही हूँ तो उसको बुला लेती हूँ खाने पर, ईद भी मना लेंगे साथ में। तो मैंने ना अयास को बुलाया। इसे ना लगन कहते हैं और इसी में मैं ये चावल और दाल मिक्स करने वाली हूँ। तो पहले इसमें थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ ताकि नीचे चिपके ना कुछ भी। अब मैंने जो दूध भिगोया था केसर वाला वो ले लेते हैं और मुझे चाहिए थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना एंड नींबू वो ले लेते हैं और चावल, ठीक है। हाँ, और ये ब्रिस्ता, ये प्याज पतला पतला काट के ना इसे डीप फ्राई किया हुआ है। तो पहले सबसे इसमें जाएगी दाल। इसके ऊपर चावल राई डाल देती हूँ। अब केसर का दूध जो मैंने तैयार किया था वो डाल देते हैं इसमें। धनिया, पुदीना भी डाल देती हूँ, ये कटी हुई हरी मिर्च
और ब्रिस्ता एंड फाइनली नींबू। और अब ये सारी चीजें एक बार और, मतलब वन मोर लेयर। केसर वाला दूध, ब्रिस्ता, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू। और तवा गरम करने के लिए रख देती हूँ। और अब इसे सील कर देते हैं आटे से। ये दरअसल प्लेट और इसके बीच में ऐसे रख के इसको सील करना है। एक एक जो इसका प्रोसेस है उसमें काफ़ी टैलेंट की ज़रूरत है। और अब मैं इसे रख देती हूँ तवे पे। कुक तो ये काफ़ी कुछ हो चुका है, बट अब एक अलग मैजिक इसमें होने वाला है। आयाज आ गया लगता है। कैसे हो? अच्छा हूँ, भूखा, अभी भी पेट भरा नहीं है मेरा। Thanks to all of you. रहने दो, तुम सबसे ज्यादा तुम उछल रहे थे। पुलाव खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। बट एनीवे, मैंने सोचा कि तुम इतना कुबूली कर रहे हो तो मैं कुबूली बना रही हूँ। That's why I've called you. क्या मैं जाऊँ या? अरे come on. अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। पता नहीं क्या बना रही। सी, अरे ये तो काफी ऑथेंटिक लग रहा है। मैं इंप्रेस्ड। अरे अब मैंने अच्छे से खोजबीन करके फिर सीखा है और अब मैं बना रही हूँ। खाना है ना ये? ऑफ कोर्स। अरे भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, इसके साथ रायता भी खाना है। अरे रायता तो खाना ही पड़ता है इसके साथ। तो बना लो फिर। बना लो व्हाट? बना लो मतलब बना लो, मेक इट, पकड़ो इसे। ये खीरा है। बना तो है, कटा तो है, और क्या करना है भाई? ऐसा है कि क्या दही अलग और खीरा अलग चबाओगे? I mean, you know. नहीं, चुपचाप okay. कुछ काम करो। ये मेरा उसूल है, मैं खिलाती जरूर हूँ खाना, लेकिन उससे पहले काम करवाती हूँ। अब तुम्हें ये करना है कि पहले इस खीरे को ऐसे काट के इसके ये जो बीज हैं ये निकाल लेने हैं, ठीक है, सबके। और फिर उसको ये दो। तब तक तुम हाथ धो। देखने तो दो, क्या कर रही हो? अच्छा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये देखो ऐसे इसको घिसना है। ओके, मास्टर शेफ इज रेडी। आप हटो, हटो प्लीज। चलो ये निकालना है ये बीज। ओके, कितने के? एक सबके? ये सारे। हाँ चलो यार, क्या है आप भी ना सच्ची। एक मिनट, मुझे डर लग रहा है। तुम ठीक से करके दिखाओ मुझे क्या कर रहे हो। ओके देखो, ये निकाला, बीज निकाले, कद्दूकस यूज किया, उंगलियां दूर। सर ये बताओ, आज तुमने ईद मनाने के कैसे सोचा? अरे भाई, हर हफ्ते तो मैं एक त्योहार मनाती हूँ। ईद आने का टाइम हो गया था और तुमने कुबूली की बात छेड़ दी, तो मैंने कहा चलो भाई आज ईद ही मना लेते हैं। यू नो ऑनेस्टली मैं एक्साइटेड हूँ, कुबूली खाने वाला हूँ, पर पता नहीं चल रहा इसमें है क्या। तो वो तो एक काम करते हैं ना, फटाफट ये रायता बनाते हैं। हाँ, ये पूरा डाल इसको खोलते हैं। हाँ, ये डाल कैसे? ऐसे ही? हाँ, डाल दो एकदम लाइक दैट। इससे मिक्स करो। ये भी मैं ही करूँ? बिल्कुल। वेरी गुड। और मैं इसमें डालती हूँ भुना हुआ जीरा। यस। लाल मिर्च। यस यस ऑफ कोर्स, वो जरूरी है। और काला नमक डालते हैं इसमें, नॉर्मल नमक नहीं डालते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा धनिया। यार आप, आई एम रियली इंप्रेस्ड। मुझे सब दोस्त लोग बोलते तो थे साक्षी बड़ा टेस्टी बनाती है, पर मैं सोचा ठीक है बनाती होगी जैसे नॉर्मली कोई घर पे बनाता है, ऐसा कोई यू नो स्पेशल नहीं, बट दिस इज वेरी इंप्रेसिव। चलो इसको इसमें मैं थोड़ा सा ट्रांसफर करती हूं। ओके, ये आप करिए। चलो इधर आ जाओ तुम, छोड़ दो उसको। अब क्या करूं, मिक्सर चलाना है, कुछ करना है इसमें? नहीं रुक जाओ, अभी हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसा बना है। मैं सोच रही हूं पहले एकदम रायता रेडी हो जाए ना, इसमें थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं।
भुना हुआ जीरा। अच्छा लिटरली डिजाइन में समझ, जैसे ऊपर से ऐसे गार्निश? नहीं भाई, थोड़ा सा तो सुंदर दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस कुछ भी बना दिया और खिला दिया। Here, see, it's so nice. है ना? I'm just thinking कि ये आटा इतने तभी खुशबू नहीं आ रही थी क्योंकि एकदम तो बंद है ये। Oh! यार This looks amazing. I don't want to spoil this, but this I have so to. This is so good. जिस तरीके से you know वो प्याज लाल है ऊपर जो आपने दम Look दिया है, wow. चने की दाल कितने अच्छे से तैयार हुई है। अरे हाँ, एक चीज भूल गई। ये ब्रिस्ता। ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। है ना? Looks so lovely, Ayaz. Wow. Okay, आप खा सकता हूँ? हाँ. आप मुझे एक ये चम्मच फोक दीजिए, ये रायता मुझे खाना है, प्लीज. ओहो. मैं नहीं रुकना हूँ, प्लीज. Okay, 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 okay. ठीक है. देखिए एक्सपर्ट से ले सूंघते हैं, महक से तो परफेक्ट है, 10/10. फिर लेट्स टेक अ बाइट. पहले बिना रायते का एक बाइट लेता हूँ. भगवान, अल्लाह, गॉड, प्लीज. Say something, please. चबा तो लो. नहीं, एक्चुअली बहुत टेस्टी है, सीरियसली आई एम रियली इम्प्रेस्ड. अच्छा मुझे एक टेस्ट तो करने दो, कैसा बना है? यम्मी, एक्चुअली गुड. अब इसे कहते हैं ईद. आई नो. थैंक यू. थैंक यू तो ठीक है, वेरी मच ईदी. ईदी? और क्या, इतना अच्छा खाना बना के खिलाया तुम्हें. मैं आया काफी नहीं है. नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. देखिए मैं बड़ा दिलदार हूँ, ईदी लाया हूँ. वो डब्बा देख रही हैं आप? यस. एक्चुअली ना ये मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, बट मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बोलूं कि आयाज ये डब्बा क्या है, इसमें क्या है. देखिए मैं भी कैसे बोलूं, मैंने खरीदा नहीं है. मेरी अम्मी ने मुझे मेरे लिए भेजा था. मैं सोचा मेरा तो यूज नहीं है ये बोल्स का, तो आप ले लीजिए. तो मैं खोल के देख. यस प्लीज. Oh wow, I'm so happy and excited. Are you so nicely packed? Packing bhi maine nahi ki. Oh, this is beautiful. Perfect. So nice. Thank you so much. Eat le perfect hai. Isme aap kya dal sakte hai? Ye ha, meetha dal sakte hai. Are main zarur dalungi isme, lekin usse pehle mujhe tum ye batao ki tum apne ghar mein jab Eid manate ho तो क्या करते हो? ईद, देखिए फर्स्टली तो नो ईद इज कंप्लीट अगर मीठा ना हो. मैंने उसकी भी तैयारी करके रखी हुई है. रियली? यस, आई एम गोइंग टू मेक शीर कोरमा. मेक मतलब क्या, बना नहीं अब तक? मेक मतलब आई वाज वेटिंग फॉर यू ना, ये बना लिया तुम्हारे बिना, तो वो तुम और मैं मिलके बनाएंगे. एंड यू गॉट मी सच नाइस कटोरीज, उसमें डाल के खाएंगे भी. देखिए आपका ये मिलके का सिस्टम ना मुझे समझ नहीं आ रहा है. आ जाएगा. ये भी गार्निश किया, सब किया, अभी शीर खुरमा आपको पता है कितना टाइम लगता है उसमें? अरे फटाफट हो जाएगा, मैंने दूध ऑलरेडी बॉइल करके रखा हुआ है. Oh, एक बार और बॉइल करेंगे उसे यहाँ पे एंड देन इट विल बी डन. ठीक है रुको, एक और बाइट ले लूं. तुम खाओ, आराम से खाओ. हाँ काफी है मेरे लिए, ये काफी है. बातें मत बनाओ, बताओ मुझे कैसे मनाते थे ईद. ईद क्या बोलूं यार, इतनी अच्छी मेमोरीज है जो बचपन की. एक तो मुझे याद है सुबह सुबह हम लोग उठते थे 5 बजे, यू नो मेरे दो भाई हैं. हाँ. हम सब डैड अंकल सब उठते थे नमाज के लिए. एंड वी यूज्ड टू गो एंड कम बैक. एंड हमें पता है जब हम वापस आते. हाँ. मैदे की पूरी, अंडे, शामी कबाब, वो हमारा स्टेपल ब्रेकफास्ट था ईद के दिन. फिर 1 बजे कुछ 30 या 40 बिल्डिंग के दोस्त या कॉलेज के स्कूल के आते थे. एंड उफ, अम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती थी, मजा आता था. तो मैंने पता है ये दूध उबाल के रखा था. एक्चुअली okay. 2 बार उबाल चुकी हूँ उससे मैं सुबह से. गुड. और अभी मैं ये सेवई जल्दी से भून लेती हूँ. देखो वहाँ पे ना एक प्लेट में मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, वो ले आओ. पहले इसको भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे अभी. ओके, अब इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं. बादाम. yes. पिस्ता. और ये शिरोन जी. मैं भी सोच रहा था. आप क्या डाल रही? पानी.
ओके नाउ ये दूध जो है ये इसमें जा सकता है। ओके आप संभाल के करिए प्लीज। मैं होल्ड करूँ कुछ गरम। नहीं नहीं। अब कलर आ रहा है। चीनी डालने वाले स्टेज पे पहुंच गया है ना? मैं कुछ करूँ तब तक? मैं घुमाते रहता हूँ। हाँ तुम घुमाते रहो। ये इसमें I think कम मीठा पसंद है कि ज़्यादा? मीडियम। तो 3/4 कप डाल देते हैं। हाँ। अच्छा एक काम करो ना प्लीज। हाँ। फ्रिज में ना वो पिस्ता रखे हुए हैं। हाँ। से बारीक बारीक कटे हो लिया। कब? अभी। क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अच्छी सी खदक आ गई है। इसमें इलायची पाउडर में डाल देती हूँ। क्या क्या चीजें होती हैं लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए। एंड ये हमारी जो सेवई है और आई शुड से शीर कुर्मा है जी। वो तैयार हो चुका है। सो लेट इज जस्ट टेक इट आउट। टेक इट आउट उसमें ही खा पी लूं? पागल हो क्या यार, सारी चीजें ही फिर डाल लेते, बैठ जाते गैस पे, ऐसे ही खा लेते उसको। देखो ये ना जो तुम मेरे लिए सुंदर सुंदर से वो बोल्स लेके आए हो उसके साथ मैच करेगा है ना? या वाओ यम्मी, पूरा टॉप तक भरिएगा। एंड स्पून्स। वेट, पिस्ता नहीं डालेंगे? गेट डेकोरेशन, आई एम टेलिंग यू मास्टर शेफ सीरियसली। ओके ये जो है गुलाब की पंखुड़ियां हैं। ओके प्लीज आप थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। यस अब ये भी मॉम के लिए फोटो और ये अम्मी को भी भेजेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप यूज कर रही हैं ये। वेरी नाइस nice. इसको तो मैं साइड में रख देती हूँ। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस। नहीं यार तो ऐसा है, इसके साइज पे मत जाओ। यू कैन टेक एज मच एज यू वांट। इसमें मैं तुम्हें पैक करके भी देने वाली हूँ। लवली। यस नाइस। एक मिनट। अरे लखनऊ के हो तो थोड़ी लीजिए तहजीब, मैं भी दिखा। हाँ ठीक है, दिखाइए जितनी दिखानी। चम्मच रखो इसमें। यस अब आप सर्व भी करेंगी। ईद मुबारक। थैंक यू। ओके बिस्मिल्लाह करें। मैं जितना भी आपको तंग करता हूँ ना, बट सीरियसली आपने ये ईद स्पेशल बना दिया। थैंक यू। थैंक यू फॉर आप तो भी थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। चलो खाओ जल्दी। यस इट्स सो नाइस एंड वार्म ना, आई लव इट लाइक दिस। ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छा होता है। यू नो सम पीपल, लोगों को गरम अच्छा लगता है, कोई लोगों को ठंडा। आई लाइक इट लाइक दिस। आपने ठंडा देके वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें भी मजा आता है। एक्चुअली मजा है और जिसे कहते हैं ना रच जाता है वो। या तो एज लॉन्ग एज खाने को मिले आई डोंट केयर। आई डोंट केयर आई नो। सुबह गर्म होता है जब मॉम बनाती हैं, शाम को ठंडा हो जाता है ठंडा खा लेते हैं। मुझे आंटी के लिए पैक करना है ना, लेट मी गेट अ बॉक्स। हां एक 10 लीटर का डब्बा होगा ना वो।